भ्रष्टाचार निवारक संगठन अयोध्या इकाई की टीम ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते राजस्व लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दाखिल खारिज की रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल द्वारा 50,000 रिश्वत की मांग करी गई थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर 5,000 रुपये लिए जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन की टीम द्वारा आरोपी लेखपाल के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार में डूबे राजस्व मखमे में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक सदर तहसील के ग्राम पंचायत भयारा के राजस्व लेखपाल मनोज कुमार सिंह द्वारा एक व्यक्ति से जमीन की दाखिल खारिज की रिपोर्ट लगाने के नाम पर 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करी जा रही थी। रिश्वत न मिलने के चलते आरोपी लेखपाल करीब 5 महीनों से फाइल पर अपनी रिपोर्ट नहीं लगा रहा था। भ्रष्ट लेखपाल की कार्यशैली से त्रस्त पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन के टोल फ्री नंबर पर करी थी। एंटी करप्शन टीम के निर्देश पर पीड़ित व्यक्ति ने लेखपाल मनोज कुमार सिंह से संपर्क कर रिश्वत देने की हामी भर दी, जिसके बाद लेखपाल ने पहली किस्त के तौर पर 5,000 रुपये लेकर उसे डीएम आवास के सामने स्थित साईं स्वीट्स पर बुलाया था, जहां लेखपाल मनोज ने जैसे ही पीड़ित व्यक्ति से रिश्वत की रकम ली, पहले से फील्डिंग लगाए एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को नगर कोतवाली ले गई और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया।